डाकू मारने वाले के प्रति घृणा खत्म हो जाती है, तो हम पकड़े क्यों उसको? उस दिन मुझे समझ में आया कि बार बार जब हम हिंसा देखते हैं, बार बार जब हम वॉयलेंस देखते हैं टेलीविजन पर, वो चाहे गोली मारने की हो, चाहे चाकू मारने की हो, चाहे किसी की हत्या करने की हो, चाहे किसी को ऊपर से पटकने की हो, ये बार बार की जो वॉयलेंस है, बार बार की जो हत्या है, या बार बार के हत्या के जो दृश्य हैं, ये हमारे मन से दया खत्म कर देते हैं, करुणा खत्म कर देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं। फिर असली जीवन में अगर ये दुर्घटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाएंगे ये सोचते हुए, अरे कौन सिर दर्द लेगा, क्योंकि बार बार डेड बॉडी देखना हमारी आदत बन गई है, टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से। जब आदमी के मन से दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इंसान बनना है या जानवर? तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे? हाथ उठा दो आपकी बात। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा, क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, फायदा इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है, और ये मैं बोलता हूं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलॉजी। क्यों? तुमको एक बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है, हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ सोच नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद होता। हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता, और सोते समय जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपना ना देखता हो, हर व्यक्ति सपना देखता है। इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है, लेकिन टेलीविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है। हम पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो, और एक कहानी पढ़ो, कहानी ऐसी होगी, एक राजा था एक रानी थी। अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि एक राजा था एक रानी थी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कल्पना आएगी, राजा कैसा था, रानी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, रानी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे। ये सारी कल्पना एक क्षण में आ जाती है मन में जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक राजा था एक रानी थी। लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है। ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो कल्पना आती रहेगी। अगर दिमाग ने सोचना बंद किया, चिंतन करना बंद किया, तो कोई कल्पना नहीं आ सकती। दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, उसी को पागल कहते हैं। तुमको मालूम है मेडिकल साइंस में पागल की परिभाषा क्या है? पागल की परिभाषा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है, वही पागल होता है। तो जितनी देर हम टीवी देखते हैं हम खुद पागल होते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते। और ये सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है, यही सबसे बड़ा खतरा है। और मैं तुमको इससे भी ज्यादा गहरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नाम की चीज होती है, और हाइपोथैलेमस के पास एक मेडुला नाम का पोर्शन होता है। जब हम टीवी देखते हैं तो उस समय ये हाइपोथैलेमस और मेडुला दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूं कि शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे और उससे काम नहीं लेंगे, थोड़े दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो, उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी या वो काम करना बंद कर देगा। तुम एक दिन ऐसा छोटा सा प्रयोग करो कि एक हफ्ते तक अपने दाहिने हाथ को ऐसे ही लटका के रहना, इसको ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, हिलाना नहीं, बस ऐसे ही लटका के रखना, तो तुम्हारे दाहिने हाथ में सूजन आ जाएगी पूरे। क्यों? तुमने काम नहीं लिया उस हाथ से, इसलिए वो सूजन आ गई।
ऐसे ही तुम पैर तुम एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, पैर बिल्कुल मत चलाओ, हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, फिर पैर से चल नहीं पाओगे। ऐसे ही तुम बिस्तर पर लेट जाओ, अपनी पीठ को बिल्कुल हिलाओ डुलाओ मत, एक ही पोजीशन में जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो, तो तुम्हारी पीठ में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, बैड सोर हो जाएंगे। क्यों होता है ये सब? शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमने बेकार किया, उससे कोई काम नहीं लिया, तो वो सूजन आती है, या तो उसमें स्वेलिंग आती है, या तो वो बेकार होता है, या तो उसमें जंग लगती है। अब हम सोचें कि जितनी देर हम टीवी देख रहे हैं उतनी देर हमारा हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, हमारा मेडुला काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी सूजन आ जाएगी, और उसमें अगर सूजन आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमको, कैंसर भी हो सकता, हो सकता है तुम्हारा वो हिस्सा काट कर निकालना पड़ेगा, और तब तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में टीवी देखा, लेकिन पता चला उससे तो गंभीर बीमारी हो गई। और तुमको मैं एक बात और बताता हूं, टेलीविजन जब चलता है तो उसमें से बहुत ही खतरनाक किरणें निकलती हैं। तुमने सूरज को उगते हुए देखा? सूरज में से किरणें निकलती हैं, लेकिन दोपहर के अगर 12 बजे हो तो सूरज की तरफ आंख करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी किरणें इतनी इतनी तेज होती है कि आंख जलने लगती है। जिस तरह से सूरज में से किरणें निकलती हैं और आंखों को जला सकती हैं, वैसी ही किरणें टेलीविजन में से भी निकलती हैं, और वो भी तुम्हारी आंखों को जला सकती है। जो किरणें सूरज की रोशनी से निकलती हैं वो टेलीविजन से भी निकलती हैं, और टेलीविजन से निकलने वाली किरणें भी तुम्हारी आंखों को जला सकती, और तब तुम्हारी आंखें खराब हो सकती हैं। फिर हो सकता है तुमको दिखना कम हो जाए, तुमको चश्मा लगाना पड़े, तुमको आंखों में दर्द होने लगे, तुम्हारे दिमाग में भी दर्द होने लगे। लगातार टीवी देखने से एक बहुत खतरनाक किस्म का दर्द होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन ऐसा दर्द है जो आधे हिस्से में होता है, कभी भी राइट लेफ्ट में होगा या लेफ्ट पोर्शन में होगा, कहीं भी हो सकता है। और माइग्रेन में एक बार फंसे तो आसानी से इसका इलाज भी नहीं होगा। एक और बड़ी संकट है टेलीविजन की, कि जब हम सब लोग टेलीविजन देखते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, एक मिनट के लिए भी हम हमारी पलक नहीं झपकाते, आंखें फाड़ फाड़ के टीवी देखते रहते हैं। तुमको मालूम है कि हर एक सेकंड में पलक झपकनी चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक मिनट में कम से कम 60 बार हमारी पलक झपकनी चाहिए, एक मिनट में कम से कम 60 बार आंखें बंद होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, लेकिन हम तो टीवी देखते हैं तो हो सकता है आधा आधा घंटे तक आंखें फाड़े फाड़े देखते रहे, क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई सीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि आंखें भी हैं हमारी। तो तुम तो सत्यानाश कर रहे हो अपनी आंखों का, इसलिए टीवी देखोगे? और ये जो बात मैं समझा रहा हूं समझ के जाना, और अपने घर में जाके अपने माँ पिताजी को भी समझाना। और ये टेलीविजन देखने का शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, समय का नुकसान है। दो दो घंटे तीन तीन घंटे हम टीवी देखते हैं।